मोकामा के रन में आरजेडी के टिकट पर बाहुबली विधायक रहे अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी चुनावी मैदान में है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रही थी तो उस वक्त आरजेडी के नेता तो नजर आए लेकिन जेडीयू के नेता नहीं दिखे, जिसको लेकर लगातार सवाल यह खड़े हो रहे थे कि क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्या मोकामा में जेडीयू का समर्थन अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को नहीं मिलेगा। हालांकि एक बात जो सच्चाई है कि मोकामा के लोकल पॉलिटिक्स में, उस जिले के लोकल पॉलिटिक्स में अनंत सिंह तो वही दूसरी तरफ है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह धुर विरोधी एक दूसरे के माने जाते हैं और राजनीतिक जानकार और वहां की लोकल पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग भी यही कह रहे हैं कि यही एक कारण है जो अनंत सिंह की पत्नी के नॉमिनेशन में जेडीयू का कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। ऐसे में अनंत सिंह की पत्नी की जीत को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए थे कि अगर जेडीयू समर्थन नहीं करती है तो फिर वो उनकी जीत जो है वो मुश्किल चुनौती है। एक तरफ ललन सिंह है जो बीजेपी से है, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में है, तो वही अनंत सिंह की पत्नी है, दो बाहुबलियों की पत्नी आमने सामने है, तो कई जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो वही ललन सिंह है जो अनंत सिंह को कभी 2000 वोट से अनंत सिंह से मात खा गए थे। यानी कि अनंत सिंह के लिए एक बड़ी चुनौती जो है वो ललन सिंह है। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें अपना उम्मीदवार उनकी पत्नी को बनाया है। लेकिन इस वक्त जो हम आपको खबर बता रहे हैं, ऐसे में जो खबर है वो यह है कि मोकामा उपचुनाव में आरजेडी के तमाम बड़े नेता तो दिखेंगे मंच पे, साथ ही साथ अब नीतीश कुमार भी दिखेंगे, क्योंकि अब तक जेडीयू साइलेंट मोड में थी, जेडीयू कुछ कहने से बच रही थी, जेडीयू वहां जाने से बच रही थी, तो ऐसे में अब नीतीश कुमार मोकामा के रण में चुनावी प्रचार में तेजस्वी यादव के साथ मंच पे दिखेंगे। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मोकामा में होने वाले उपचुनाव, चूंकि बिहार विधानसभा की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज में हो रहे हैं, ऐसे में महागठबंधन है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, 7 दल है, उसमें 7 दलों के समर्थन को लेकर मोकामा में संशय बरकरार था। लेकिन अब सब कुछ स्पष्ट होता हुआ दिख रहा है, नीतीश कुमार की तरफ से भी लगभग यह स्पष्ट हो चुका है, गठबंधन धर्म का पालन भी करना है और मोकामा में चुनाव प्रचार भी करना है। अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो यह माना जाएगा कि जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी उस मंच पे दिखेंगे, खासतौर पे उस क्षेत्र से जो सांसद है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी नजर आएंगे। तो अनंत सिंह की पत्नी के लिए नीतीश कुमार प्रचार करेंगे, चूंकि सीट को जीतना है, 2 सीटों की हार जीत से सरकार पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, न विपक्ष को कोई असर पड़ने वाला है। लेकिन अगर महागठबंधन चुनाव हार जाती है तो एक मैसेज बहुत गलत जाएगा, चूंकि नीतीश कुमार ने 24 का बीड़ा उठाया है, अगर उससे पहले ही उपचुनाव हार जाएंगे तो लगातार विरोधी जो है हावी हो जाएंगे, कहेंगे कि आप तो उपचुनाव नहीं जीत पाए, फिर लोकसभा के दावे कैसे करेंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि कोई भी गलती हो जिस वजह से हम कोई चुनाव हारे, एक गलती की वजह से अगर चुनाव हार जाते हैं उस वजह से गलत मैसेज चला जाता है। नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं है, अपनी फैसले और नीतियों के आधार पर आज तक बिहार की सत्ता पर काबिज है और जनता को अपने फैसलों से वो अपने पक्ष में कर लेते हैं। उनके काम जो योजनाएं होती है, उनके जो शासन की बात जब करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस बात पे जनता को भरोसा होती है और जनता उन्हें वोट करता है। नीतीश कुमार इस बार भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई गलती हो जिससे गठबंधन और पार्टी पर एक गलत इमेज जो है वो बने। तो नीतीश कुमार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी के लिए प्रचार करने जाएंगे। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गठबंधन धर्म का पालन करते हुए मोकामा में प्रचार करेंगे अनंत सिंह की पत्नी के लिए और संभवतः उनके साथ जेडीयू के तमाम बड़े नेता और खासतौर पर उस क्षेत्र से सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह भी मंच पे होंगे और अनंत सिंह की पत्नी के लिए लोगों से अपील करेंगे कि इन्हें भारी से भारी मतों से चुनाव जो है वो जितवाएं।